दोस्तों आज के वीडियो में हम सिंपली बात करने वाले हैं दोस्तों कि एयरटेल का 153 वाला पैकेज क्या रिमूव होता है या नहीं होता। और दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पैकेज को कैसे ऐड करें, मतलब चैनल को कैसे ऐड करें और किस तरह रिमूव करें। बहुत ही सिंपल ट्रिक से दोस्तों कोई भी इंसान कर सकता है, कहीं जाने की टेंशन की ज़रूरत नहीं और हर चैनल को आप रिमूव कर सकते हैं। बस बात करते हैं दोस्तों आप 153 वाला बेस पैक। तो 153 वाला बेस पैक किस तरह का है वो मैं समझाता हूँ। जैसे दोस्तों मोबाइल में या सिम में या नेटवर्क में दोस्तों आपको इनकमिंग के लिए 45 का रिचार्ज करना पड़ता है, वैसे ही 153 का ये रिचार्ज है। समझ लीजिए कि आपको अगर टीवी देखना है, आपको अपना DTH ऑन रखना है तो 153 का रिचार्ज आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप दोस्तों इसको नहीं करके अगर आप कोई भी SD पैक फैमिली पैक अगर डालते हैं और ये वाला पैकेज नहीं रहेगा तो आपका टीवी केबल नहीं चलेगा। तो दोस्तों सिंपल सा यही बात है, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया हूँ और कुछ दोस्त मेरे एयरटेल वगैरह में काम करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप 153 को हटा के अगर कोई देखेंगे, चैनल वगैरह डालेंगे तो क्या हम देख सकते हैं। तो वो लोगों ने सिंपल सा आंसर दिया कि ट्राई के कानून के तहत पहले आपको 153 का रिचार्ज करना होगा मंथली, सबसे कम रिचार्ज यही है, उसके बाद आप जो भी इसमें ऐड करिए, देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन 153 का रिचार्ज आपको करना ही पड़ेगा। तो यही सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों कि 153 का जो रिचार्ज होता है उसको आप हटा नहीं सकते, उसे रिमूव नहीं कर सकते, बेस पैक को रिमूव नहीं कर सकते। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बता दिया, और अगर आपको कोई चैनल ऐड करना या रिमूव करना तो वीडियो को आगे देखिए, वरना आप इसको वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि मैं एक वीडियो डाला था 4 मिनट का दोस्तों, उसमें ऐड करना और रिमूव करना मैंने दोनों चीज़ बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट किए कि आपने चूतिया बनाया, इस तरह का बहुत सारा चीज़ हुआ है दोस्तों, वहाँ पर कमेंट कर रहे थे। तो वो लोग 153 का बेस पैक वाला रिमूव कैसे होता है वो जानना चाह रहे थे। तो इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया कि आप रिमूव नहीं कर सकते, अगर रिमूव करेंगे तो आपका केबल नहीं चलेगा, तो सिंपल सा बात है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कैसे ऐड करना, कैसे रिमूव करना, और दोस्तों सिंपल तरीके से सब कुछ दोस्तों हर चैनल को करना, और 0 रुपए में दोस्तों कौन कौन सा चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको भी ऐड कैसे करेंगे वो भी दोस्तों आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, और दोस्तों इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले अपना एयरटेल थैंक्स ऐप आपको खोलना होगा इस तरह से दोस्तों। जब ये ओपन हो जाएगा तो दोस्तों थोड़ा सा वेट हो करना पड़ेगा। यहाँ पर से दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर से जिसे रजिस्टर्ड किया आपको देखना होगा, और आपका कौन सा कनेक्शन है। जैसे मेरा 2 कनेक्शन है, तो दोस्तों जिसमें मैं देख रहा हूँ अभी करेंटली वो वाला दोस्तों, देखिए यहाँ 1200 का रिचार्ज हुआ है 162 दिन के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली जाना है माई अकाउंट में। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका कौन कौन सा चैनल आप वहाँ पर एक्टिवेट किए हुए। पहले ये चीज़ आपको देख लेना होगा कि आपका कौन कौन सा चैनल है। तो यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर शो कर रहा है दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली यहाँ पर जब आपको दिखेगा तो ऊपर में देखिए एक तो हल्का सा आई का बटन बना हुआ, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पूरा मेरा पैक बता रहा है कि मैंने कितने का पैक यहाँ पर रिचार्ज किया। तो 225 वाला जो पैक है उसमें से कौन कौन सा क्या क्या है सारा कुछ यहाँ पर शो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों सबसे ऊपर वाला जो चैनल है ये मेरा दोस्तों 1 रुपये से कम का, मतलब पैसे में चैनल मैंने लिया हूँ दोस्तों। तो ये सब चैनल जो है 1 पैसे से कम में आता है, 1 पैसे में आता है दोस्तों, सिंपली सब बोल सकते हैं। मतलब 1 रुपये से कम में 5 चैनल मैंने लिया हुआ, और ये दोस्तों 153 वाला चैनल है जो दोस्तों यहाँ पर DT इसका DD का आता है जो आपको लेना ही पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद देखिए G का मैं पैक लिया हुआ हूँ 70 रुपीज़ वाला दोस्तों, HD पैक जो मुझे सही लगा, जो देखता हूँ मैं ज़्यादातर दोस्तों, तो वो HD पैक यहाँ पर लिया हुआ हूँ। उसके बाद नीचे वाला जो है दोस्तों ये सब फ्री चैनल है जो 153 में इंक्लूडेड है। तो इस तरह से दोस्तों ये सारा चैनल है। अब मैं यहाँ पर याद रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि जी का मैंने जो लिया है उसको किस तरह से रिमूव करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, और ऐड भी कैसे करेंगे तो वो भी चीज़ मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों फिर से हम अपना ऐप खोलते हैं और आपको दिखाते हैं आप कैसे ऐड करना और कैसे रिमूव करना। तो दोस्तों इस तरह से खुल गया जैसे ऐप आपका, पहले तो आपने चेक कर लिया कि कौन कौन सा चैनल, उसके बाद ये वाला खुल गया दोस्तों। तो उसके बाद आपको ऊपर में देखिए यहाँ पर एक फोन आपको हेडफोन दिखेगा, हेडफोन टाइप का बना हुआ है, देखिए दोस्तों ऊपर में सबसे टॉप में। तो उस हेडफोन
फ़ोन में आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी जैसे मेरा दो अकाउंट है तो मैं चेक करूँगा कि जिसमें मेरा है उसमें मैंने जाना होगा। उसके बाद नीचे टॉप क्वेरी में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आई वॉन्ट टू ऐड और रिमूव, और नीचे वाला भी आई वॉन्ट टू ऐड और रिमूव, आप दोनों में से किसी में भी चल जाइए, दोनों में से किसी में भी। तो चलिए फर्स्ट वाला में हम चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे ऐड करना है। तो फर्स्ट वाला में जैसे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो भी चैनल बना हुआ है, जैसे यहाँ पर एयरटेल का चैनल वगैरह कुछ बना हुआ है, पैकेज वगैरह बना हुआ है, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर पैकेज वगैरह आपको दिखेगा। और एक को मैं हम यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए सिलेक्ट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ और कंपेयर भी कर सकते हैं। तो जैसे सिलेक्ट कर लिया और गो टू समरी में अगर क्लिक करेंगे तो हमारा दोस्तों आगे दिखा देगा कि कितना पैसा लगने वाला है। यहाँ से वैसे दोस्तों ऊपर में भी यहाँ पर पैसा दिखा रहा है, तो इस तरह से कुछ है। तो चलिए हम यहाँ पर बैक चल लेते हैं। तो ऐड दोस्तों इस तरह से करना है और रिमूव भी दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि लास्ट में आपको क्या करना है। तो पहले ऐड आपको दिखा दिया, अब रिमूव का चलते हैं। तो दोस्तों जी का हमने जो पैक लिया है उसको रिमूव करके आपको दिखाएंगे। तो यहां से दोस्तों सबसे सिंपल सा बीच वाला में दोस्तों सबसे नीचे में आना है। देखिए जी लिखा हुआ है, जी का दोस्तों सबसे डाउन में आना है। सबसे डाउन में जब आएंगे तो आपने जो पैनल चैनल सिलेक्ट किया है वो चैनल वहां पर दिखेगा दोस्तों। फिर से आपको एक बार दिखा दे रहे ऊपर में दोस्तों ब्रॉडकास्ट में जाएंगे, जी में जाएंगे तो जी में सबसे नीचे में जाएंगे तो आपका चैनल जो ऐड है वो दिखेगा दोस्तों। और वहां पर रिमूव का ऑप्शन आपको दिखता होगा, आप देख लीजिए यहां पर रिमूव का ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इस रिमूव में अगर क्लिक करेंगे तो दोस्तों गो टू समरी में हमें भेजेगा और वहां पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये चीज हो जाएगा। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको रिमूव कैसे करना। जैसे हम रिमूव किए तो देखिए रिमूव वन लिखा है और गो टू समरी लिखा गया। अब गो टू समरी में जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर आ जाएगा, देखिए ये वाला मेरा बीच वाला जो आप लाइन देख रहे हैं बीच वाला, वो दोस्तों जो मेरा सर्विस चल रहा था वो नीचे में सबसे दिखता होगा, 225 रुपये का रिचार्ज। उसके बाद न्यू सिलेक्शन मेरा 154 का दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं जी वाला को हटाया दोस्तों, फ्री जो एक रुपये में जो मैं चैनल लिया तो नहीं हटाया दोस्तों, तो वहाँ पर आपको दिखता होगा। तो 154 रुपये का रिचार्ज यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। अगर हम यहाँ कन्फर्म कर देंगे तो मेरा सिर्फ बेस पैक चलेगा टीवी में, जो जी का लिए दोस्तों वो रिमूव हो जाएगा दोस्तों न्यू सिलेक्शन में। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर दोस्तों कंफर्म जैसे करेंगे तो 3 से 4 मिनट के बाद ये दोस्तों पैक जो है आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ है। तो देखिए यहाँ पर 154 रुपये आपको दिख रहा है दोस्तों, और ऊपर में जाएंगे तो ऊपर में दोस्तों प्रीव्यू दिखेगा कि आप कौन कौन सा चैनल यहाँ पर लिए। तो प्रीव्यू में जब गए तो यहाँ पर दोस्तों सबसे फर्स्ट में आपको दिखेगा दोस्तों, यहाँ सबसे फर्स्ट में हम क्लिक करते हैं तो ये 1 रुपये के अंदर दोस्तों मेरा जो चैनल सब है वो सब मैंने लिया है। उसके बाद ब्रॉडकास्ट में दोस्तों वहाँ पर जी का जो आपको यहाँ पर आपको जो डीडी का चैनल है वो सब आपको फ्री वाला चैनल देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे में दोस्तों जो 153 में कुछ इंक्लूडेड चैनल वो सब दिखेगा। तो प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सा चैनल को यहाँ पर ऐड और रिमूव किया है, जो सारा कुछ आपको यहाँ पर प्रीव्यू में दिखा देगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है, आप सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है कैसे करना। अगर नहीं करना तो दोस्तों बैक कर दीजिए और यहाँ पर आप जाएंगे दोस्तों नीचे में तो देखिए फिर ऐड टू बैक का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ काम करता है। तो यही दोस्तों सिंपल सा ट्रिक था, ज़्यादा कुछ नहीं, और 153 का जो पैक है दोस्तों उसको रिमूव नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हुआ, तो दोस्तों आप भी इसे कर सकते हैं। और नीचे वाला वीडियो को देखिए, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट किया और कल स्कैम होने से भी बच गया दोस्तों मेरे साथ, क्योंकि वहां पर किसी ने बोला कि रिमूव हो जाता है, इस पर आप ईमेल करिए, आईडी करिए, इस तरह का कुछ बात बोला। अगर मैं कर देता तो शायद मेरा ये मेरा यूट्यूब का जो अकाउंट है या चैनल है जो दोस्तों ये हैक भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह का चीज़ अगर आपके साथ होता है तो आप इससे सिक्योर रहिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।